इतना ही बहकावे चले चलो, हमने जीत न पाए चले चलो चले चलो। झारखंड में 37% बच्चे, 37% बच्चे पहली से दसवीं क्लास पहुंचते पहुंचते छोड़ जाते हैं स्कूल। लेकिन अगर गांव में देखा जाए तो गांव में ये 70-80% बच्चे, 80% तक बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। इसीलिए ये जरूरी है कि बच्चों को स्कूल छोड़ने से रोका जाए। अब आप लोगों के सामने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत है, अब हम ना हारेंगे। आज मैं रवि का अपना असली शॉट दिखाऊंगा, बड़ा उछलता रहता है। असली शॉट गोल मार कर दिखाना। पहले सबको हाथों लेने दो, फिर देखते हैं कौन कैसा शॉट लगाता है। ये जोसेफ और विनय तो आ जाते थे, अब ये भी लेट होने लगे। लो भाई, हम लोग आ गए। तुमने मारी एनटीआर, दिल में बजे घंटियार टन टन टन। तुमने मारी एनटीआर, दिल में बजे घंटियार टन टन टन। लेकिन अब तक दूसरे लड़के तो आए नहीं। बाकी हॉस्टल के साथ आप लड़के तो आ ही जाएंगे, परेशान मत हो। लेकिन अब हमारे टीम के सबसे अच्छे प्लेयर मंत्री और सुकूल अब खेलने नहीं आएंगे, स्कूल भी ना आए। तुझे किसने कहा ऐसी बेकार की बात? ना क्या कर सुकूल कल मिला था, कहने लगा खेत में बाबा के साथ हम दोनों भाइयों को काम करना पड़ता है। खेत में तो हमें से बहुतों को काम करना पड़ता है। मंत्री कहता है कि उसके पिताजी अब कमजोर हो गए, बीमार से रहते हैं। हाँ, मामला गंभीर लगता है। तुम लग दो यू ही परेशान होने लगे। अगर दो लड़के नहीं आते हैं तो हम फुटबॉल खेलना थोड़े छोड़ देंगे। चलो अभी तो फुटबॉल खेलते हैं, खेल के बाद बात करेंगे। चलो मैदान की ओर। अरे ये क्या, सारा मैदान तो खुदा पड़ा है। दो तीन दिन पहले जॉन सर कह रहे थे कि मैदान में रूलर चरोके से समतल करा दिया जाएगा। समतल मतलब? अरे तू तो बड़ा बेवकूफ है, समतल करना मतलब बराबर करना। अच्छा, तूने सड़क बनते हुए नहीं देखा? पत्थर और पत्थरा डालने के बाद रूलर चलाते हैं समतल करने के लिए। ठीक है इतने ध्यान से मैंने कभी नहीं देखा। अब तो समझ गया ना? हाँ मैं समझ गया। इसका मतलब है कि हम एक सप्ताह तक फुटबॉल नहीं खेल सकते। चलो दूसरा खेल खेल लेते हैं। मैं जोसेफ और विनय मंत्री और सुकुल के घर जा रहे हैं, चलो बाद में मिलते हैं। तुम लोगों के साथ? हम लोग भी जाएंगे। अरे मंत्री सुकुल, कहाँ हो भाई? हम तुम्हारे आंगन में खड़े हैं। अरे तुम लोग, आज तो कमाल हो गया, तुम लोगों को देख के बहुत खुशी हुई। अच्छा तुम्हारा भाई सुकुल कहाँ है? वो बागान में बाबा के साथ काम कर रहा है। तुम लोग यही ठहरो, मैं उसे बुलाकर आता हूँ। माँ माँ, 5-6 कप चाय बना कर ले आओ, हमारे दोस्त आए हैं। अरे छोड़ दे यार, हमारे जल्दी में हम फिर कभी ऐसा चाय पी लेंगे। भाई ने बताया तुम लोग यहाँ आए हो, मिलकर बहुत अच्छा लगा। भाई तुम दोनों भाइयों के बिना अच्छा नहीं लग रहा था, सोचा मिलाते हैं। अच्छा ये बता, तुम दोनों भाई ना तो क्लास मैनेजर रहे ना खेल के मैदान में? मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती, आप उनसे खेत बगान का काम नहीं हो पा रहा है। झूम बराबर झूम सराबे, झूम बराबर झूम। चुप रह, हर समय नकेल करता रहता है। मेरे पिताजी ने पिछले 5 सालों से आपको हाथ नहीं लगाया। सच बताए, घर के काम के अलावा हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि हम पढ़ाई जारी कर सके। तुम दोनों भाइयों पर हम लोग का दिल आ गया, हम जब तक जिंदा है साथ मिलकर पढ़ाई करेंगे और खेलेंगे। सोचो अगर तुम लोग नहीं पढ़ोगे तो ना तो तुम अपना विकास कर पाओगे, न अपना परिवार का और न ही समाज का। तुम्हारे पिताजी को क्या बीमारी है? डॉक्टर आनंद देख कर बताएंगे और इलाज भी करेंगे।
लेकिन भाई हम डॉक्टर के पैसे कहाँ से देंगे? डॉक्टर आनंद हमसे पैसा नहीं लेते, आप तुमसे भी नहीं लेंगे। देखो हमारे पास कॉपी किताब करने के लिए पैसे भी नहीं है। मेरे बड़े भाई की बहुत सी कॉपियाँ ऐसी है इसमें हमें 10-15 पैसे ज्यादा नहीं लेता, वो मैं तुम्हें दे दूंगा। मेरे चाचे का भाई की पुरानी किताब यूं है पड़ी है, वो मैं तुम सब को ला दूंगा। और अगर दिक्कत हुई तो हम अपनी किताब शेयर करेंगे जैसे कॉलेज के स्टूडेंट करते हैं। भाई तुम लोगों को पता है कि हम दोनों भाई मैथ में कितने कमजोर हैं? आज के पास से हम सारे मिलकर गणित के सवालों को हल क्या करेंगे और जो सर हमारी मदद क्या करेंगे? इंग्लिश का भी भाई कुछ करना पड़ेगा। इंग्लिश इज वेरी फनी लैंग्वेज, कम टुमारो वी विल हिट इंग्लिश, प्ले इंग्लिश, लाफ इंग्लिश, हा हा एंड डांस इंग्लिश। यस we will also bark in English, bom bom। अब हम कुछ नहीं सुनना चाहते, तुम दोनों भाइयों को कल से क्लास आना है। अगर नहीं आए तो सारा क्लास यहाँ होगा और दूसरे दिन सारे टीचर यहाँ होंगे, फिर सारा स्कूल यहाँ होगा। और कोई है वहाँ? अरे तुम लोग कौन सी मिट्टी के बने हो यार? हम मिट्टी के नहीं लोहे के बने हैं। हम फौलाद है, फौलाद। देखा मैंने कहा था ना, ये दोनों भाई हमें छोड़कर नहीं जा सकते। अरे बच्चों मैं तो बूढ़ा होने लगा हूँ लेकिन तुम लोगों ने बता दिया, जिसके तुम जैसे समझदार बच्चे हो वो कभी बूढ़ा नहीं हो सकता। कौन कहता है आप बूढ़े हो गए, अब तो और 25 साल जिएंगे। कौन कहता है मैं अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता? अब कुछ भी हो जाए मैं अपने बच्चों को जरूर पढ़ाऊंगा। ये होता है डिटर्मिनेशन। तुम्हारे पिताजी तो अंदर से बहुत मजबूत है। अच्छा अपन बा हम चलते हैं और अब मिलते रहेंगे। कल दोनों बच्चों को क्लास जरूर भेज देना। अब आप देखते रहिए आपके बच्चे कैसे आगे बढ़ते हैं। चलो ये काम भी हो गया। अच्छा बात तुम लोग मिल गए, हमने डॉक्टर आनंद से बात कर ली है और उन्होंने कहा एक बच्चे को भेज देना, मैं साथ जाकर मंत्री के माँ बाप दोनों को देख आऊंगा। डॉक्टर आनंद को घर पर देखकर सुकुल और मंत्री के माँ बाप की आधी बीमारी तो ऐसी दूर हो जाएगी और बाकी डॉक्टर साहब दवा देकर ठीक कर देंगे। देखो भाइयों मंत्री और सुकुल दोनों स्कूल आ गए। अरे वाह आज तो कमाल हो गया। अब फिर हमारी फुटबॉल की टीम पूरी हो गई। अब हम साथ साथ पढ़ाई करेंगे और खेलेंगे भी। चलिए सर आपने सुना बच्चों ने क्या कमाल किया? हाँ सुनकर बहुत अच्छा लगा। आज तुम लोगों ही नहीं पूरी स्कूल का सर ऊंचा कर दिया। झारखंड में 37% बच्चे 10वीं क्लास पहुँचते पहुँचते स्कूल छोड़ देते हैं। गाँव देहात के बच्चे तो 70-80% बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसीलिए हम सभी लोगों का दायित्व है कि हम सभी ऐसे बच्चों को स्कूल छोड़ने से रोकें। हम सब कुछ समाज से सीखते हैं और समाज को ही देते हैं। अब ना तो हम खुद हारेंगे ना अपने दोस्त को हारने देंगे। अब से हम देखेंगे कि कोई बच्चा पढ़ाई ना छोड़े और ये काम हम सारे बच्चे मिलकर करेंगे। मुझे आमिर खान की फिल्म लगान का गाना याद आ रहा है। चलो सारे मिलकर गाओ। अपनी जीत हो अपनी जीत बार बार हाँ बोल यार हाँ अपनी जीत हो अपनी जीत हाँ कोई हमसे जीत न पाए चले चलो चले चलो मिट जावे जो टकरावे चले चलो भले घोर अंधेरा चाहे चले चलो चले चलो ना कम जावे चले चलो। टूट गई जो उंगली उठी पांच उंगली तो बन जाए मुट्ठी एका बढ़ता ही जावे चले चलो चले चलो कोई कितना ही बहकावे चले चलो कोई हमसे जीत ना पाए चले चलो चले चलो जावे जो टकरावे चले चलो कोई ना रोके तुझे टोके तुझे तोड़ दे बंधन सारे मिलाया हो के तुझे निर्बल
चल तू ही बता, तुझे खेलेंगे खेलेंगे ऐसे ही दुश्मन हारे, कि अब तो ले लेंगे हिम्मत का रास्ता, धरती हिला देंगे सबको दिखा देंगे, आ जा क्या पर जा क्या हो, हम जग में छाएंगे अब ये बताएंगे हम लोगों का दर्जा क्या हो। बार बार हाँ बोलो यार हाँ, अपनी जीत हो अपनी।